अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ मुंबई स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में ये बहुत ही आसान है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। इससे मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आपने इस तरह से एक बार पाव भाजी बना ली तो आप हफ्ते में दो बार इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से बिना किसी देर के इस मुंबई स्टाइल पाव भाजी को कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भरकर मक्खन। दोनों की क्वांटिटी आप इक्वल रखें। जैसे ये दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी, हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और इसे डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा इसमें पिंक कलर आए इतना ही हमें इसे पकाना है। तो जब तक प्याज पक रहा है हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने लिया है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। इसको हमें दरदरा पेस्ट बनाना है। तो ग्राइंडिंग जार में डालकर मैंने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है और इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। आप इस तरह से अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो जब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया था जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से प्याज के साथ भुन लेंगे। तो सारी चीज़ें भुन गई है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। टमाटर आप कोशिश करें कि लाल एकदम टमाटर हो, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भरकर इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। नमक डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। साथ ही हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं इसमें। तो सूखे मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। पाव भाजी में अक्सर कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल होता है। साथ ही डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अगर नहीं डालना चाहती हैं तो इसको स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए। तो थोड़ा सा पानी डालकर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकती हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया है और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हम एक एक करके सारी सब्जियों को डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। तो यहाँ मैंने 1 कप गाजर लिया है, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 1 कप मटर, 1 कप लिया है मैंने यहाँ पर फूल गोभी, 1/2 कप मैंने लिया है यहाँ पर चुकंदर। चुकंदर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही ऐड कर देंगे हम यहाँ पे आलू। तो 1 कप मैंने आलू भी इसमें डाल दिया है। साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भरकर पाव भाजी मसाला। अब हमें सारी सब्जियों को अच्छे से भूनना है ताकि सब्जियाँ भी भुन जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट तक हमें सब्जियों को अच्छे से भून लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जितना आप सब्जियों को भूनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है हमने। और अब कवर करके हम इसे 7 से 8 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 7 से 8 सीटी आ गई है, प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो गया। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो 7 से 8 सीटी के बाद सब्जियां अच्छे से गल गई हैं। तो अब हम इसे मैश कर लेते हैं। तो अब हम एक मैशर लेंगे और मैशर के हेल्प से दबाते हुए हम सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी खड़ी सब्जियां पसंद है तो थोड़ा कम मैश करें। तो दबाते हुए मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है और हमारा भाजी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। तो
आप इस पॉइंट पर बटर डालकर थोड़ी देर और पका सकती हैं। बटर डालिए और हरा धनिया डालिए और इसके बाद आप 7 से 8 मिनट तक पका लीजिए। लेकिन हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक पैन और इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून बटर। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब कश्मीरी लाल मिर्च तब डालें जब दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो जाएं, और इसके बाद हम भाजी में इस तड़के को डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार इस तरह से बना के देखिएगा आप। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद 7 से 8 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। तो 7 से 8 मिनट तक मैंने पका लिया है और इसमें डाल देते हैं 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारा भाजी बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 नींबू का जूस। जब भी आप नींबू का जूस ऐड करें, गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दें, अच्छे से मिला देंगे। तो भाजी बनकर तैयार है। चलिए अब इसके लिए हम पाव सेक लेते हैं। तो पाव के लिए हमने एक तवा चढ़ाया है और इसमें डाल दिया है बटर और थोड़ा सा हमने डाला है ऑयल ताकि बटर जले ना। जब दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला और इसे अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसके बाद पाव को इसमें रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लिया है। तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। सारी सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। साथ ही हम एक बटर के टुकड़े को इसमें रखेंगे। पाव भाजी में बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बटर का इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।